नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जो कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी आनी है उसके लिए जो घोषणा हुई है उन पदों की, उनकी भी संख्या देखेंगे कि कितनी संख्याओं की घोषणा हुई है, क्या उसकी योग्यताएं हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, कितने उसके पेपर्स होंगे, पेपर्स में अंक विभाजन किस तरह से होगा, इस प्रकार की सभी तरह की जानकारियों के लिए ये वीडियो आज आपके लिए है। ठीक है दोस्तों, चर्चा करेंगे हम आरपीएससी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो वैकेंसी है दोस्तों कॉलेज लेवल पर होती है, सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इसकी योग्यताएं क्या हैं। तो इसकी जो योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशन है, देखिए सबसे पहले योग्यता की बात कर लेते हैं कि इसकी योग्यताएं क्या हैं, क्या हमारे पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कौन कौन सी पात्रता परीक्षा हमारे पास होनी चाहिए, उन सब की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए, अर्थात आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एमएससी, एमए, एमकॉम है ना, जो भी है। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है इसमें आपको 45% अंक लाना अनिवार्य है। ये बात कर रहा हूँ मैं जनरल कैटेगरी के लिए कि 45% अंक आप जनरल कैटेगरी अगर बिलोंग करते हैं तो 45% अंक लेकर आना है। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी के हैं तो आपको 5% जो है वो आपको छूट मिल जाएगी किसी भी रिज़र्व कैटेगरी से अगर यहाँ पे हैं तो 5%, अर्थात 40% अंक लाना आपको अनिवार्य है। बात करें कि इसके लिए आपके पास जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा वो आपके पास होनी चाहिए, या राज्य स्तर की जो पात्रता परीक्षा है, अर्थात आपके पास नेट होनी आवश्यक है। नेट नहीं है तो अभी जिसका एग्ज़ाम हुआ है सेट, इन दोनों में से आपके पास इसकी पात्रता होना आवश्यक है। ये पात्रता कब तक होना आवश्यक है, मान लीजिए अभी विद्यार्थियों के पास ये नेट या सेट दोनों ही नहीं है, तो जब तक आपका इंटरव्यू स्टार्ट नहीं होता, कब की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू अर्थात आपका जब इंटरव्यू है, अर्थात इंटरव्यू डेट पहली डेट से लेकर पहली इंटरव्यू से पहले, अर्थात इंटरव्यू डेट से पहले, इंटरव्यू डेट से पहले आपके पास ये जो नेट सेट की जो डिग्री है ये आपके पास हो जानी चाहिए। अर्थात जिस दिन से इंटरव्यू की डेट है, कि मान लीजिए आज 10 तारीख से अपनी है, तो अपने पास 9 तारीख को ही अपने पास ये डिग्री होनी चाहिए। अर्थात अभी तक भी अगर आपके पास नेट सेट नहीं है तो अभी उसके बाद में भी और हो जाएगी, तब तक ये एग्ज़ाम का इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम होगी तत्पश्चात उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब तक आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी अगर एमए ही कंप्लीट नहीं है, अगर एमए फाइनल का अगर विद्यार्थी है, तो एमए फाइनल का जो विद्यार्थी है, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन का जो विद्यार्थी है जो फाइनल ईयर में है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकता है, एग्ज़ाम को दे सकता है। लेकिन शर्त यह है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन से पहले पहले आपके पास नेट सेट की डिग्री और एमए की डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। बात यह है, ये तो इसकी सामान्य योग्यता की हमने बात करी। बात करें कि इसका जो परीक्षा पैटर्न है, अर्थात एग्जाम पैटर्न की बात करें, जो एग्जाम पैटर्न है इसका, एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है, तो देखिए दोस्तों ये एग्जाम 3 भागों में विभाजित होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अर्थात 3 पेपर आपके होंगे इसमें। ये जो 2 पेपर होंगे ये तो आपके सब्जेक्ट के ही होंगे, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, और ये जो होगा आपका राजस्थान जीके का होगा। किसका होगा मित्रों, राजस्थान जीके से संबंधित ये पेपर होगा। ध्यान रखें इसमें, इस सब्जेक्ट वाले पेपर में आपको कितने प्रश्न मिलेंगे, 150 प्रश्न मिलेंगे, इसमें भी कितने प्रश्न मिलेंगे, 150 प्रश्न मिलेंगे, और इसमें कितने प्रश्न मिलेंगे, इसमें आपको 100 अंक मिलेंगे। कितने अंक, 100 अंक का, अर्थात 100 प्रश्न आपके इसमें देखने को मिलेंगे। अर्थात ये जो पेपर होगा ये कितने अंक का होगा, 75 अंक का ये होगा, 75 अंक का ही ये होगा।
ध्यान रखना 75 75 अंक के ये होंगे, और जो आपके 100 क्वेश्चंस वाला है ये कितने अंक का होगा, 50 अंक का होगा। कहने का तात्पर्य है एक क्वेश्चन आपके आधे नंबर का है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, आधे अंक का है। तो ये जो टोटल है आपके 150 150 300 100 आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अंक आपके देखें तो यहाँ पर अंक कितने हो जाएंगे आपके, 200 अंकों का ये टोटल आपका पेपर हो जाएगा। कितने अंकों का, 200 अंक का आपका ये पेपर होने वाला है, 200 अंक। ये जो वैकेंसी है इसके हम पैटर्न की चर्चा कर चुके हैं कि इसका क्या पैटर्न रहने वाला है। इसके बाद में आपको पता है 200 के बाद में आपका 24 अंक का क्या होता है, इसमें इंटरव्यू भी आपका 24 अंक का इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार आपका वो होगा। उस समय आपकी डिग्री सारी जो हैं जो आपने मेंशन करी है, जो योग्यता के लिए आवश्यक है, वो सारी डिग्रीज आपके पास होनी आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये जो वैकेंसी है इसकी प्रबल संभावनाएं ये हैं कि ये जो वाली वैकेंसी है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी है, आपकी इसी वर्ष में होने की प्रबल संभावनाएं हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने बजट भी देखा है, काफ़ी सारे नए कॉलेज खुले हैं, है ना। इससे पहले भी, इससे पिछले बजट में भी काफ़ी सारे नए कॉलेज खुले थे, और उन कॉलेजों की जो स्थिति है उसमें ये है कि ना तो उनमें प्रिंसिपल है ना लेक्चरर्स हैं। तो ये जो वैकेंसी है इस वर्ष निश्चित रूप से होनी है आपके, ये मई में, अप्रैल के लास्ट और मई में आपका निश्चित रूप से इसका नोटिफिकेशन आएगा। चाहे आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, उनकी वैकेंसी होने में समय लगेगा, लेकिन सबसे पहली जो वैकेंसी होगी आपकी वो कौन सी होगी, आरपीएससी जो लेती है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर अपन कहते हैं, वो वैकेंसी आपकी सबसे पहले होगी। मई में आपका निश्चित रूप से नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी संभावनाएँ हैं, और लास्ट में जाते जाते गवर्नमेंट उससे पहले आपकी एग्ज़ाम कराकर निश्चित रूप से जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपकी एग्ज़ाम है इसी वर्ष होनी है, इसी वर्ष होनी है, 100% होनी है। और मैं आपको बता दूं सिलेबस इतना बड़ा है कि इसके लिए समय चाहिए, समय चाहिए, समय चाहिए बहुत ज़्यादा। तो ध्यान रखना है, इस सिलेबस को आप अभी से तैयार करना प्रारंभ कर दें। इसके लिए जो आपकी मेन मुख्य किताबें हैं उनके बारे में चर्चा करना बिल्कुल आप प्रारंभ कर दें, किताबों को खोजना चालू कर दें, उनके आधार पर नोट्स बनाना चालू कर दें, ताकि आपको परीक्षा के समय ऐसी कोई समस्या नहीं आए कि हमारे पास नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं है, किस प्रकार की। वो तो लंबी तैयारी इसमें आवश्यक है, और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो ध्यान रखें, ये इसका परीक्षा पैटर्न है। एग्ज़ाम संभावनाएं ये हैं कि इसी वर्ष आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। क्या क्या योग्यताएं हैं इसके लिए हमने देख लिया, सेट की एग्ज़ाम अभी लगी है, तो इसमें अगर आप पात्र हो जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अगर नहीं भी है तो फिर आपकी नेट की वैकेंसी द्वारा आने वाली है, तो आप फिर उससे फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू के समय हमें ये डिग्री चाहिए। तो इंटरव्यू तक तो हम शायद दो एक नेट तो लगी जाएगी, तो तब तक हम इसमें लिए पात्र भी हो सकते हैं। तो ये जो सामान्य नॉलेज मैंने आपको बताया किसके बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, तो आप सभी एक बार अच्छे से तैयारी को प्रारंभ करना प्रारंभ कर दें, ताकि आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।